चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है। यह है राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के शब्द थे अलीगढ़ में एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान के। वैसे तो देश के महापर्व कहे जाने वाले लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और शुरू हो चुका है नेताओं का वाक युद्ध। अब इसमें वैसे तो कल्याण सिंह जी ने कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन एक प्रदेश के राज्यपाल होने के लिहाज से एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं हो सकता। लिहाजा चुनाव आयोग ने राज्यपाल कल्याण सिंह के बयान पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा और पत्र में उनके बयान की शिकायत की। सोमवार देर शाम चुनाव आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और बैठक के बाद राष्ट्रपति को इस संबंध में चिट्ठी भेजी गई। वैसे अपने बयानबाजियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले राज्यपाल कल्याण सिंह का पहले अलीगढ़ में दिया पूरा बयान सुन लीजिए। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस नाते से हम जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की विजय हो। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। आपकी भावनाओं को देखते हुए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। अब जरा इनके जीवन के बीते दिनों की जानकारी दे देते हैं। 87 साल के कल्याण सिंह तो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के मामले को लेकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 1999 में कल्याण सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था, लेकिन 5 साल के अंदर ही कल्याण सिंह 2004 में वापस बीजेपी में शामिल हो गए। 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कल्याण सिंह ने पार्टी का दामन छोड़ते हुए पार्टी को मरा हुआ सांप बताते हुए कभी गले नहीं लगाने की बात कही, लेकिन 2012 में एक बार फिर वही हुआ जो राजनीति की पृष्ठभूमि कही जा सकती है। कल्याण सिंह पूरे लावो लश्कर के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय संविधान के तहत संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति किसी भी एक राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर सकता है, उसे हमेशा निष्पक्ष ही रहना होगा। अब देखना होगा चुनाव आयोग के संज्ञान लेने और राष्ट्रपति को शिकायत लिखने के बाद राज्यपाल कल्याण सिंह पर क्या कार्रवाई होती है।